जैन दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। दोस्तों आज मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी, आज मैं सबसे हटके बना रहा हूं, कुछ स्पेशल है। ये स्पेशल ये है कि आज मैं बताऊंगा हाउ टू मेड द वांडर्ड वायर, यानी बंधेर तार कैसे बनाते हैं। पूरी प्रोसेस है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक एक चीज को बारीकी से दिखाऊंगा। तो सभी दोस्तों से, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को पूरा देखना है। और एक बात और बता देता हूं, ऐसे बारीकी से बताने वाला हूं आपको मैं कि आप हमारे सादिक भाई को भूल जाओगे, मतलब सादिक भाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद तार बनाना सीख जाओगे ओनली एक वीडियो से। वीडियो को, ये हमारे आबिद भाई, वीडियो को ध्यान से देखना। ये बंधेर वायर की ये चैन है, तो इसीलिए बंधेर वायर बनाया जाता है, इतनी दूध जैसी सफेदी और बंधेर वायर से आए, आपने ऐड तो सुना ही होगा। तो मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूं आपको। ये हमने मेल लगा रखा है, मेल का मतलब बंधेर वायर में जैसे हमें बनानी है 40 टंच का माल बनाना है, तो 40 का मतलब है ये कॉपर लिया हमने, 40 का माल बनाना है। 60 एक किलो में जैसे 600 ग्राम कॉपर ले लेते हैं और 400 ग्राम चांदी, और ये कर रखा है मूस में लगा रखा है, इसको गलाएंगे। तो अब इसको एक एक करके आपको दिखा रहा हूं कैसे गलाएंगे, कैसे वायर रेडी होगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपनी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, भैया वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप नए हो तो, और घंटी वाला बटन तो दबाना मत भूलना, और हाँ वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के शेयर किए जाओ भैया, वीडियो को शेयर नहीं हो पा रहा है वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं और आपको आज पूरा प्रोसेस समझा देते हैं कि बंधेर वायर मेकिंग प्रोसेस क्या है, चांदी का मेल बनाने से लेकर तार रेडी होने तक कैसे होता है काम। तो सबसे पहले मेल बना लिया हमने 60 टंच का, 60% 40 टंच का है, सॉरी 40% चांदी है, 60% इसमें तामा मिला हुआ है, आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम गलाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पाइप इसके अंदर चांदी को रख दिया गलाने, अभी देखते हैं गलाने के बाद क्या होगा। इधर रेजे की तैयारी कर ली हमने पाइप बनाने के लिए, ये गल के बाहर आ चुकी है, अब इसका पाइप बनाएंगे। देखिए अब ये दूसरा, ये गलाई का हो गया, अब दूसरा यहाँ से आ जाता है काम आपका। ये देखिए चांदी है इसके अंदर, अब इसका बनाना है पाइप। रेडी इस पाइप में
क्या करेंगे, जो हमने तामे की रोड बना रखी है इनको डालेंगे, ठीक है, इनको डाल के फिर देखिए क्या करते हैं, आगे बताएंगे। तो दोस्तों ये हमने पाइप कर लिया तैयार, ये देखिए इसके अंदर आपको टांका दिख रहा होगा, है टांका लगा लिया, ऊपर ये पाइप हो गया। ये कैसे तैयार किया है ये देखो, इसके बाद ऐसे बेलते हैं इसको, ऐसे ये फिलाई हो गई बड़े रॉड से, ऊपर से दाब लगा लगा के और ऐसे बेला जाता है। ये हो गया कंप्लीट, थोड़ा गर्म है इसलिए पानी से ठंडा कर रहे हैं। तो भैया पाइप कर लिया रेडी, अब चालू करते हैं पकाई भट्टी को। फैन चलाना मत भूलना, पहले बता रहा हूँ। कर दी पकाई भट्टी चालू, अब पाइप पकाते हैं। और हाँ खास बात यह है, इससे आप चिकन टिक्का और कबाब और क्या बोलते हैं पनीर टिक्का वगैरह बना सकते हो, यानी एक पंथ दो काज, बहुत अच्छी चीज है ये, है ना। ये पाइप लगा दिए है ना, साथ में पनीर अनीर हो, चिकन विकन हो तो सलाई में घुसेड़ के उसमें बना सकते हो आप। तो ये तंदूर भी है एक तरह से। चलिए पाइप को पकने दें, एक लगभग एक घंटे के लिए इसमें लगा के छोड़ दें, एक घंटे में पाइप पक के रेडी हो जाएंगे, अपने आप अलार्म बजेगा, इसको निकाल लेंगे। आग जल गई, आग से चालू करी है, तो ये रेडी हो चुके हैं पाइप पक्के, है ना। ऐसे समझो इतने पकाने हैं कि पाइप को रख के एक घंटे के लिए छोड़ दो, वो पक्के रेडी हो जाएंगे। ये हो गई इनकी पकाई, पकाई हो गई। अब इनको क्या करना है, वापस रोल में हम डाल के बेलते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। पकाई के बाद ये पकाई वाले पाए गए, यहाँ पर बेलना है, अब ये लंबे होते चले जाएंगे, बहुत लंबे हो जाएंगे, तो यहाँ पे इनको अब कुछ नहीं करना है, केवल बेलते जाना है, इन पाइपों को ऐसे ऐसे बनाते जाना है। ये ऐसी लंबी लंबी छड़ बन गई है बेल बेल के, अब इनको हम रोल में डाल के अब देखो और क्या करेंगे, पतला करेंगे इसको, बहुत पतला, बस देखते रहो। क्या कर रहे हो? नहीं, बस देखो कहां से कहां तक लंबी हो गई है रोड, इसमें दे देंगे रोड को फोटो लिया तो हमारा भी लिया। देखो देखो तुम्हारा फोटो, ये देखिए सब नई सनसनी, इनका कहना है इनका फोटो नहीं लिया जा रहा है, दिखाइए जरा चेहरा अपना, बस राजी हो गए, अब मुस्कुरा दो, ये बात क्या बात। इसके बाद क्या है, अब ये ऑटोमेटिक स्प्रिंग बनने लग गई तार की, स्प्रिंग बन के फिर देखो आगे क्या करेंगे इसके साथ।
भैया इनको जरा गौर से देख लो, लाल शर्ट वालों को ये बोल रहे हैं हमको मशहूर नहीं किया, इनको ज्यादा कर दो, देखो कैसे हंस रहे हैं। ये बन गई स्प्रिंग, मिस्त्री तो नहीं वो तो टेलर हो टेलर दिखा जाता पहले। तो भैया ये चारों स्प्रिंग कर ली इसके अंदर, ये तामा देखिए, तामा यूज किया था आर्मेचर है, प्योर है, प्योर कॉपर है आर्मेचर, ये यूज करते हैं गलाने में इसकी मेल्टिंग में। तो इसको छोड़ते हैं आर्मेचर को, मुद्दे की बात पे आते हैं, कम टू द मेन पॉइंट। ये स्प्रिंग रेडी हो गया, अब इनको यहाँ पे हम तपाई भट्टी में तपाएंगे। तो आबिद भाई चालू कर रहे हैं। प्रेशर बंद कर दिया, ये जीप चलती हुई तीले रखती, ये कैसे भैया ऐसा ट्रैक्टर चालू हो गया? अरे तेरी पर तो कोई बात नहीं है, बुझ गई, बंद हो गई है। द्वारा जलाने का प्रयास करते हुए मोहम्मद आबिद खान, और ये तीली को जला रखा है, अभी रख दिया उसके ऊपर, और ये चालू कर दी गैस, और ये आग लग गई, देखो फटाफट से हो गई। धीरे 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 हो गया। ठीक है बंद करो। उसके रास्ते में कड़ी क्यों कोई दीवार खड़ी। अब ये स्प्रिंग क्या है ना, तपा रखी है, मोटी है, अब इसको बारीक करना है। तो बारीक करने के लिए ये घेरा बना लिया है तार का, और ये रोल में बेली जा रही है, और वही दोनों जाने पहचाने चेहरे आपको दिखाएंगे पूरा इस का पूरा हाल। अरे नहीं, हिलकी थोड़ी बनाएंगे यार, हिलकी नहीं बनाएंगे, काय टेंशन लेते हो। हाँ तो ये हो रहा है, तो अब तार को पतला कर रहे हैं, तो ये घेरा बना रखा है, ये रॉड लगा लगा के, और ये लगा दिया तार यहाँ से, देखो ये जाने लग गया है, और किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे घुमाते रहो ये घूमता रहेगा। और ये दूसरा तार भी चल रहा है बारीक वाला, वो देखो उधर, वो इस यंत्र के माध्यम से इसको गोल कर रहे हैं। इस यंत्र को बोलते हैं फालका, मतलब इसका नाम फालका क्यों, फालका नहीं है, एक फालो नाम का आदमी था, उसका नाम था फाल सिंह, फालो फालो बुलाते थे हमारे गांव में उसको, उसने बनाया था ये, तो उसके नाम पे बोलने लग गए कि उस मशीन को लेके आओ फालो वाली को, फालो का ला, फालो का ला, फालो का ला से हो गया फालका। तो ये इसका इतिहास बता दिया आपको, ऐसा ही है ना भाई जी? ऐसा ही है, इनको ज़्यादा बेहतर पता है मेरे से। तो ये ऐसे बंडल बनाना है इधर, और ये बारीक हो रहा है सर, दोबारा से दिखा देता हूँ, ये जा रहा है, Thank you.
चलिए ऐसे दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, है ना, शॉर्ट शॉर्ट में ही दिखाते हैं आपको। तो इधर ये बंडल इधर बना लिया हमने, पतला होके आया उधर से और यहाँ पे ये लपेट लिया, उधर से आ रहा है ऐसे ऐसे आ गया, छोटा कर ऐसे ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ये बन गया। फालों के फालका में ये बंडल बन गया, ये देख, इतना मोटा बंडल तपाने के बाद इस गियर से खींचा जाएगा, आपके आगे दिखाएंगे कैसे खींचेगा। देखो कितना मोटा है ना, होगा कम से कम 7-8 mm का तो होगा। ये इधर रख देते हैं, काफी गर्म है ये। तो ये यहाँ से ये बारीक हो गया, अब ये इसको देखो फालका पे लपेट देंगे, बंडल बना देंगे। ये देखो बहुत ही आसान है ये फालों का यंत्र भी बहुत मजेदार है यार, बहुत आसान कर दिया इसने काम करना। देखो कैसे लपेट रहे हैं, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी, अरे भाई जल्दी जल्दी करो, शाम तक 42 पाइप राइडी करके देने हैं। 42 पाइप, 42 × 3 कितने केजी हो गया, 34 × 12 = 120, 1.25 क्विंटल माल देना भाई, जल्दी करो। चलिए ये ऐसे चलता रहेगा, ये इधर बंडल बन जाएगा, इसके बाद दिखाएंगे बंडल को उधर उधर तपाएंगे तो वो दिखाएंगे, ऐसे काफी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए, ठीक है। फिर लगा दिया तार तपाने पे, भाई इसमें तपाई का बहुत ज्यादा काम है, कई बार तपाना पड़ता है। फिर लगा दिया, मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो तार तप चुका है, ये देखिए लाल हो गया, निकाल लेते हैं सीधा, इसको निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद, निकाल के फिर सीधा गियर पे, वहां पे गियर पे इसको गोल करेंगे तो दिखाएंगे आपको। ज्वालामुखी हो रहा है, ज्वालामुखी, ये ठंडा कर रहे हैं इसको तार को, ठंडा करने के बाद फिर करेंगे गोल। चलिए गोल करते टाइम पे दिखाएंगे। भाई कई सारे पाइप होते हैं तो जो हमारा गियर होता है ना वो एक ही बार में 20 किलो 10 किलो 30 किलो 50 किलो माल खींच देता है, तो हम टुकड़ों में खींचने के बजाय एक ही बार मुंह बना के खींच जाएगा तो जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये 3-3 किलो के 3 पाइप है, यानी टोटल 9 किलो जोड़ा जा रहा है, जोड़ के एक बना लिया 9 किलो का, एक ही बार में खींच जाएगा। उधर वो एक पाइप है, वो एक पाइप सिंगल देना तो सिंगल का तार किया जा रहा है। ये रेडी हो गए, अब क्या करेंगे इनका मुंह बना के और यहाँ पे ऐसे खींच देंगे तार को, जो साइज होगा हमारा उस हिसाब से, ये हमारा साइज है तो इस हिसाब से हम तार को खींच देंगे, है ना। ये डाइयां पड़ी हुई हैं कार्बन की और कार्बाइड की, इन दोनों से हम खींचेंगे। पहले कार्बाइड की लगेगी, मोटी मोटी डाई, मोटा तार है, उसके बाद फिर फाइनल डाई जो लगेंगे बारीक वाली वो डायमंड की लगेंगी। यहाँ पे मुंह बना लेते हैं और मुंह बनाने के बाद डाई लगा के खींच देते हैं तार को, तो देखिए कैसे मुंह बनाया जाएगा, देखिए देखिए क्या बात है, ये देखो, आए हाय हाय, बड़े फास्ट करते हैं। मुंह बनाने का मतलब है उससे सिरा पतला हो जाता है, वो तो डाई के अंदर आ जाएगा।
ये डाई का सेट है कार्बाइड की और ये डायमंड की, अलग अलग गेज लिखा रहता है, आप देख पा रहे हो। तो अब क्या करना है, मुंह बना लिया है तो डाई के अंदर से निकालना है। ये हमारा गियर है, गियर पे तार होगा, वो तार का अंदर डाल रखा है मोटा तार, ये लगा दिया है, पॉलिश करके देंगे। जम्बूर से पकड़ बना के दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा गियर, ये होगी स्पीड। ये बाप भाई जहाज बना दिया, भाई जहाज देखो रेल बन गई इसकी, कितनी स्पीड है, क्या बात है उस्ताद। अभी वो एक और बाकी है पांचवा भाई साहब, हवाई जहाज क्या रॉकेट बन जाएगी पांचवा लगाते। बस ऐसे लगाते जाओ एक एक डाई, गियर है मस्त है यार, कितना भी मोटा खींच देता है यार। और ऐसे डाई लगाते जाओ, डाइयों का पड़ा हुआ सेट निकालते जाओ, इसमें मुंह बना लो पॉइंटिंग मशीन में, तार पड़ा है इसको ला के इसका सिरा इसमें मुंह बना लिया, मुंह बना के इसके अंदर डाल के डाई लगा के मोटी और फिर पतली लगाते जाओ, ये हो गया रेडी। दिखाना एक बार, दिखाना कितने गेज का है ये, मोटा है 17, ये है भाई जी 17 गेज 17, ये देखिए मोटा है लेकिन बढ़िया है, तार मस्त कितना चिकना है, क्या बात है यार, डाइयो कमाल, कुछ उस्ताद का भी भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया पूरा शुरू से लेके अंत तक, ये सब बनेल का तार कैसे बनाते हैं। अब ये तार क्या है, वजन वजन करेंगे अपना, तपाएंगे और तेजाब करके ये रेडी हो गया। हमारे इस वीडियो को बनवाने हमारा सहयोग किया है भाई साहब है हमारे बड़े भाई सादिक भाई, सादिक भाई हेलो हाय बोल दो, सादिक भाई है और एक भाई साहब और हैं, हाँ वो क्या नाम है तुम्हारा, हैं मोहम्मद आबिद, आबिद भाई, आबिद भाई। तो इनका विशेष सहयोग रहा है वीडियो बनवाने में, क्योंकि मैं क्या क्या करूं, कैमरा पकड़ूं बोलूं या वीडियो बनाऊं, पूरा दिन हो गया आज, देखिए शाम होने को आ गई, ये देखिए इधर दिखा देता हूँ, सुबह से स्टार्ट किया था। तो पाइप 2 हों 10 हों 20 हों, यानी कि एक बार में आप अगर 2 पाइप बनाते हैं, 2 तार बनाते हैं तब भी उतना टाइम लगना है, और 20 बनाते हैं तब भी उतना लगना है, उतनी ही गैस लगनी है, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है, बिजली फूकनी है और उतना ही समय बर्बाद होना है। तो ये बड़े काम के लिए होता है, तो इसमें जरूरी यही है, प्रिकॉशन यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में तार निकालिए, है ना। अब अपने सुबह से 4 बंडल लिए थे, सुबह से शाम वैसे ही हो गई, अगर हमारे पास 10 बंडल होते तब भी इतना ही टाइम होना था, 10 का वजन होता है मतलब 30 किलो, 12 किलो हुआ है, तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, जैसे आपको सहूलियत हो। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा सीरीज हो चुका है कंप्लीट बंधेल वायर का। अब नेक्स्ट आप बताइए किस टॉपिक के ऊपर बनाया जाए, जो आप बोलेंगे हम बनाएंगे, तो बताइए आगे किस टॉपिक पर बनाएं। जय हिंद, चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।